तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो का कंटेंट क्या होने वाला है। जी हाँ, ये वीडियो जो है ना, इसमें मैं दिखाऊंगा दुनिया का सबसे महंगा कॉफ़ी। और दुनिया का सबसे महंगा कॉफ़ी जो आता है ना, उसका तरीका भी थोड़ा ना बेढंगा है, आपको देख के थोड़ा सा घिन आ जाएगी। सो पूरा प्रोसेस मैं बताता हूँ और वीडियो में दिखाता हूँ कि ये दुनिया का जो सबसे महंगा कॉफ़ी है वो निकलता कैसे। सो मैं लाओस के एक सिटी में हूँ, सिटी का नाम है लुआंग प्रबांग। और यहाँ पे जैसे कि एक फार्म है, इस फार्म में ये क्या करते हैं, कॉफ़ी के बीन्स कलेक्ट करते हैं। दुनिया का जो सबसे महंगा कॉफ़ी है जिसका नाम है कोपी लुआक एक्सट्रैक्ट कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो कॉफ़ी रहती है ना, ये कॉफ़ी एक ऑर्डिनरी कॉफ़ी ही रहती है और ऑर्डिनरी कॉफ़ी रहती है, बट इसका टेस्ट अलग क्यों हो जाता है, इसका टेस्ट अलग हो जाता है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक सीवेट है। सीवेट मतलब ये एक मतलब नेवले की तरह दिखता है, बट बिल्ली ही रहती है। सो मैं दर्शन करवाता हूँ उस महाशय का जिन्हें सीवेट कैट कहते हैं। सो इसके अंदर सीवेट, mm-hmm. In the cafe has baby civets. We saw a baby. Yeah. You seen the baby? You seen the baby? कहानी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि इनका क्या रोल है। कॉफ़ी तो कॉफ़ी हम पीते हैं, लेकिन इस कॉफ़ी के बीच में ये महाशय कहाँ से आ गया। सो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ इन महाशय का रोल क्या है। No, it's good. Peacock. Yeah. Is these civets are wild or pet? That's civets. Yeah. Or pet civets. It's a pet civet. Okay. Yeah. Is there wild civets? There's a baby. Have you seen the baby? No, in where? In the cafe you hold. We have the civets in okay. Yeah. I didn't see. Yeah. I'll go and hold. And will you okay. let them back out or where will you stay from? Here? India. Just stay here. You? Okay. Yes. UK. Okay. Yeah. This man wants to see the baby. Yes. Thank you. So, ये जो सीवेट का ना एक बेबी भी है जो अंदर है। सो उस बेबी को मैं दिखाता हूँ। Thank you. Thank you. Have a nice day. You too. Thank you. This is baby civet. This is baby civet? Yeah. You can touch him. Can't it bite? No. ओके okay. सो ये देख रहे हो, ये बेबी सीवेट है। काट ना ले भाई, इस सबसे मुझे थोड़ा डर लगता है। सो ये बेबी सीवेट है और इनका जो बड़ा वाला है ना वो अंदर है। आप हैरान होंगे, ये एक्चुअली पेट है। सो ये कुछ करने वाला नहीं है। सो मैं वापस दे देता हूँ। कैन यू एक्सप्लेन हाउ कोपी लुआक मेड? या द कोपी लुआक मेड फ्रॉम दिस सीवेट कैट। In 1 year, we can produce this coffee 30 to 40 kilos. 30 to 40 kilos? Yes. One civet cat? 1 year. No. Oh, 1 year. Yeah. Okay. And before we roast the coffee, we dry it on 3 years. That's okay. 3 years up. 3 years. Yes. And okay. Roast the coffee. And so why it's very special? Because it have not much. And it's special coffee, that's why it's expensive. Okay. Civets eat the best coffee. Oh, that's the reason. Yes, civets eat the best coffee because the coffee is sweet, smell good. Yeah. Okay, that's the reason. So, कहानी क्या है ना? कहानी ये है, सीवेट कैट जो है ना, सीवेट कैट एक साल में 30 से 40 किलो कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है। कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है मतलब वो क्या करती है ना, जंगल में घूमती रहती है और कॉफ़ी बीन्स को खा लेती है और उसे पचा नहीं पाती है, तो वो क्या करती है, अपने पूप से बाहर निकाल देती है। सो ये क्या करते हैं ना, उस सारे पूप को कलेक्ट करते हैं और उसे 3-4 साल तक सुखाया जाता है। जी हाँ, सारे पूप को कलेक्ट किया जाता है, देन उस पूप को 3-4 सालों तक धूप में सुखाया जाता है, देन उसे प्रोसेस करके कॉफ़ी बनाया जाता है। एक सीवेट कैट तकरीबन एक साल में 30 से 40 किलोग्राम कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है, मतलब पीछे से प्रोड्यूस करती है अपना पूप निकाल के। सो उसका टेस्ट अलग क्यों होता है? टेस्ट अलग होने का रीज़न ये है क्योंकि ये जो कॉफ़ी बीन्स है ना, उनके स्टमक में जाती है और हमें पता ही है स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। सो वो एंजाइम्स उस कॉफ़ी बीन्स के साथ मिलके एक अलग
टेस्ट प्रोड्यूस करती है, अलग टेस्ट एंड अलग एरोमा प्रोड्यूस करती है. सो दैट्स वाई ये स्पेशल है. और स्पेशल होने का रीज़न ये भी है, जैसे कि ये दीदी बता रही है, ये बता रही है कि जो सीवेट कैट है ना वो बेस्ट कॉफ़ी को चुन चुन कर खाती है. मतलब सारे जैसे कॉफ़ी का बीन्स पड़ा हुआ है ना, वो सारे कॉफ़ी बीन्स को नहीं खाएंगे, उसमें से जो बेस्ट है कॉफ़ी बीन्स को खाती है. सो अल्टीमेटली ये जो पूप कलेक्ट करती है ना, ये जो पूप रहता है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट कॉफ़ी बीन्स ही रहती है. मतलब एक किलोग्राम होगा तो वो एक किलोग्राम नहीं होगा, वो मान लीजिए 30-40 किलो में से सीवेट कैट उस एक किलोग्राम को चूज़ करता है, देन उसे ईट करता है, देन उसे पुप करता है, देन वो बनता है. सो इनके पास या सो दिस इज कॉफी लुआ. हाउ मच पर के जी? वन ग्लास इज 850,000. सो ये है भाई वो बेहतरीन सीवेट कॉफी. Yeah. That's really 100%. It's magic. Yes. That's produced in same years, but that's different flavor in different smell. It's like one will intoxicated with having this. Yes. It's very strong and very like smell is very good. It's strong. I will addicted with this smell. It's strong but it's smoothly. Yes. How much per kg? 1 cup. 1 kg. सो ये एक सीसी आप जो देख रहे हो ना, ये 100 ग्राम्स का है. ये पड़ेगा आपका $55. दिस इज कॉफी स्टील रोल्स. आई विल शो यू. सो भाई ये क्या है पता है? ये है भाई पूप. ये वो जो सीवेट कैट है ना, उसका ये पूप है. सो ये है, ये पूप है. स्मेल उतना बुरा भी नहीं है. नॉर्मली जो पूप होता है, पूप का स्मेल काफ़ी भद्दा होता है, काफ़ी बुरा होता है, बट इसका स्मेल यार कुछ भी नहीं है. सो ये क्या करती है ना, इसे ऐसे एक एक करके निकालती है. सो इसे एक एक करके ऐसे निकाला जाता है, देन इसे रोस्ट किया जाता है. सो ये है 2018 में इसे कलेक्ट किया गया था, देन 2018 से इसे सुखाया जा रहा है. सुखाने के बाद अल्टीमेटली ये अभी 2022 चल रहा है और 2022 में ये प्रोडक्ट तैयार है. और ये जो है ना, ये प्रोडक्ट जैसे कि मैंने दिखाया, ये 2016 में कलेक्ट किया गया था. जैसे होता है ना, रम वगैरह जो अल्कोहल होता है उसे एजिंग किया जाता है. जिस अल्कोहल का एज जितना ज़्यादा होगा उसका क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है. सो वैसे ही यहाँ कॉफ़ी में भी वही तरह का वैरायटी दिख रहा हूँ. Oh, so you also grow tea in Laos? Yes, in Laos, is that tea is has a 1,000 years old. So, bhai, ye tea bhi hai, tea bhi milti hai abhi. Yeah, it's nice. Yes. So, ye dekh rahe ho, ye alag-alag quality ka aur alag-alag age kiya hua. Ye kya hai? Ye coffee beans hai. Aur ye iska final product hai, jise kehte hain Kopi Luwak. Duniya ka sabse mehenga coffee. Price maine batai di. Okay, khop chai. ओके. सो गूगल वाली मैडम बता रही हैं कि 100 मीटर के बाद से राइट. सो एक्चुअली मैं ना पीछे से आ रहा था वाटरफॉल विजिट करके. ओके, वाटरफॉल का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो ठीक, इसके पहले मैंने वाटरफॉल का व्लॉग बनाया था, उसे आप देख सकते हो. सो वापस मेरी फिर से ट्रेन है VNCN के लिए. सो मैं लुआंग प्रबांग में तकरीबन 3 दिन के आसपास में था. सो भाई वापस से मैं उसी स्टेशन पर आ चुका हूँ जिस स्टेशन पर मैं 2 दिन पहले यहाँ पर आया था. धूप काफ़ी तेज है तो मैं सीढ़ी से नहीं जाऊंगा, मैं लिफ्ट से जाऊंगा. Money and
15,000 keep? Yes. Okay. This. सो भाई मुझे बस मिल गई है और इस बस से मैं जाऊंगा सिटी सेंटर. ये बस मॉर्निंग मार्केट के पास ही जाएगी और मेरा जो हॉस्टल है वो भी मॉर्निंग मार्केट के पास ही है. सो मैंने ये विटामिन वाटर ले ली. पता नहीं इसमें कैसा विटामिन है. जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसमें नियासिन है, विटामिन B6 है, फोलिक एसिड है और विटामिन B12 भी है. सो जैसा कि लंच हुआ नहीं तो मैं सोच रहा हूँ इसी विटामिन्स और मिल्क से ही आज काम चला लेता हूँ. सो ये है मेरी नई हॉस्टल जिसे मैंने बुक करी है. हॉस्टल का जो प्राइस है वो है 1,12,000 कीप. सो 1,12,000 कीप. 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 50-50 1,12,000 कीप. There's a woman and men. Here is a woman. Over there is a man. $36 Survey.